हेलो बच्चों, ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज आपकी फिजिक्स की क्लास होने जा रही है और फिजिक्स में हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के यूनिट का पढ़ रहे थे और उसमें लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए गए थे, ट्राइंगल को लेकर न्यूमेरिकल्स किए गए थे और बाकी दो चार्ज हैं उन पर रख के निकाला गया था कि एक कोई पॉजिटिव या नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव चार्ज के बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए या बाहर बताइए, तो कहाँ किस पोजीशन पे जीरो हो रही होगी उस पर भी हम लोगों ने क्वेश्चन वो किए थे। आज अगर मान लिए स्क्वायर वाले हो जाए कि तीन चार्ज दिए जाए और किसी एक पॉइंट पे स्क्वायर पॉइंट पे पूछ लिया जा रहा है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी क्या होगी तो कैसे किए जाएंगे। मेन जैसे हम लोग कुलाम सलाम में फोर्स वाले किए गए थे स्क्वायर वाले वैसे ही है, बस इसमें भी हमें डायरेक्शन का देख के उसके हिसाब से सॉल्व करना है, कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए ट्राई किया जाए। तो हम क्वेश्चन इसका लिखते हैं उसके बाद जो है बताते हैं। तो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर वन। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 5 मीटर। कोई स्क्वायर है जिसकी साइड आपके 5 मीटर हैं, चार्ज ऑफ 50 कूलम 50 कूलम एंड 50 कूलम, यानी सारे चार्ज इसके जो है तीन चार्ज जो ए सी डी पे हैं वो कितने कितने हैं, 50 50 कूलम के रखे गए हैं। फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, और बी पे हमें इसका रिजल्टेंट को फाइंड करना है। तो करें क्या, पहले स्क्वायर बना लें, सॉल्यूशन शुरू किया जाए। स्क्वायर बनाया, स्क्वायर बनाने के बाद ए बी सी एंड डी लिख दिया। अब ए पे जो चार्ज है वो कितना है, 50 कूलम है, प्लस का 50 कूलम। सी पे भी 50 कूलम है एंड डी पे भी हमारा 50 कूलम है। बी पे हमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट बताइए। इनकी जो साइडें दी गई हैं वो आपकी 5 मीटर की हैं, यानी स्क्वायर है तो सारी साइडें इसकी 5 मीटर की हैं। लेकिन इसका डायगोनल जो होगा वो पाइथागोरस से निकाला जाए, अगर इसको हम पाइथागोरस से निकाल दें तो ये 5√2 हो जाएगा। ठीक, 5√2। अब इनकी ये डायगोनल ही हो गया। अब चलिए जाए चार्ज पे देखा जाए, बी पॉइंट पे निकालना क्या है, तो बी पॉइंट पे अगर रिजल्टेंट निकालना है तो बी पे जो टेस्ट चार्ज होगा वो बी पे होगा। अगर टेस्ट चार्ज यहाँ पे है तो हमने पहले इसमें इससे पहले लेक्चर में बताया था कि टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, छोटा सा बहुत ही छोटा चार्ज होता है जो पॉजिटिव होता है। सामने पॉजिटिव है तो यानी ये रैपल की कंडीशन में होगा, यानी जो ई ए का पॉइंट होगा वो रैपल कर रहा होगा, ये बाहर जा रहा होगा। ठीक, इसी तरह ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी इसको सी क्या कहेगा, सी बी को रैपल करेगा, वो नीचे आ गया, ये ई सी हो गया। डी है, डी भी इसको रैपल करेगा, ये भी ई डी भी इधर आ गया। अच्छा, ई डी भी तो आया आया, जो इनका नेट चार्ज है, नेट चार्ज यानी इन दोनों को मिला के जो नेट चार्ज है वो भी इसी साइड में हुआ। इसका रिजल्टेंट अगर निकाल जाएगा तो सेम होगा, यानी ये 45 डिग्री, 90 डिग्री ये बन रहा है, 45 डिग्री पे ये दोनों मिलेंगे। तो चलिए अब वो वैल्यू निकाली जाए, पहले ई ए निकालें। ई ए जो होगा के क्यू ए अपॉन में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर लिख लो, यहाँ से ए की बात करें हमने इसको क्यू ए कह दिया, इस चार्ज को क्यू ए कह दे रहे हैं, इसको क्यू सी कह दे रहे हैं और इसको क्यू डी कह दे रहे हैं। तो क्यू ए अपॉन में आर स्क्वायर, तो इसके डिस्टेंस 5 मीटर की है, रखा गया के को के रहने दिया, के की वैल्यू तो जानते हो 1/4πε0 होती है, जिसकी आंसर जिसका वैल्यू वैल्यू होती है जिसकी 9×10⁻¹। अच्छा, अब क्यू ए, क्यू ए कितना है, 50 कूलम, और ये क्या है, 5 का होल स्क्वायर, मीटर में, मीटर ही में रहने देंगे। के 50/25 यानी कि 2K आ गया, ये हमारा ई ए आ गया। ई सी निकालें, ई सी हमारा भी क्या हो गया, ये भी के क्यू सी अपॉन में आर स्क्वायर, यानी के
50 ये भी है और फिर ये 5 का स्क्वायर यानी कितना आ गया ये 2k, फिर ये भी आ गया, ये दोनों 2k आ गए, ई ए भी 2k आ गया और आपका ई सी भी आ गया, और ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे हैं जो कि पाइथागोरस से बनाते हैं। और इसके बाद में पढ़ा था फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने कि इसको लगाएंगे कैसे, ई ए सी अगर लिख रहे हो तो ई ए सी का मतलब है अंडर रूट में ई ए का स्क्वायर ई सी का स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई सी कॉस, एक मिनट थोड़ा जोर से लिख दे, बड़ा बड़ा भी लिखना है, ई ए सी जो होगा ई ए का स्क्वायर ई सी का स्क्वायर 2 ई ए ई सी कॉस 45, इनके बीच में 45, एक मिनट, कॉस 90, ई ए का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई सी कॉस 90। अब कॉस 90 हो गया, इनके बीच में 90 डिग्री का पूरा फर्क है, तो ई ए कितना है, ई ए हमारा 2k का स्क्वायर है, ये भी 2k का स्क्वायर है, ये 2k 2k cos 90 वैल्यू 0, यानी सॉल्व करके ये आ गए तो 0 हो गया, ये 4k स्क्वायर यानी अंडर रूट 8k स्क्वायर यानी कि 2√2k आ गया, ये 2√2k आ गई वैल्यू। अच्छा इसकी वैल्यू हो गई, अब जरा ईडी निकाला जाए, ईडी क्या होगा, ईडी इधर ही निकाल देते हैं, हम ईडी ईडी देखा जाए तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, लिखा जाएगा के क्यू डी अपॉन में आर स्क्वायर, इसका भी आर लिखा है यहां पे, और के और कितना हो जा रहा है क्यू डी कितना हो गया 50, और ये हमारा हो जाएगा, इसको यहाँ पे एक काम करना, डिस्टेंस को 5√2 ही लिख लो डायरेक्ट, या इसको कोई नाम दे देना 5√2 का स्क्वायर, तो ये 5√2 का स्क्वायर के 50 अपॉन में 50, ये सिर्फ के आ गया, ईडी हमारा वो के आ गया। जब ये के आ गया तो अब टोटल हमें नेट चार्ज निकालना है, इसका रिलेटिव बताना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई इसकी, ई ए सी प्लस ई डी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ई ए सी कितना आया था 2√2 के प्लस के यानी 2√2 प्लस 1 के, और के की वैल्यू क्या है 2√2 प्लस 1 के की वैल्यू होती है 1/4πε0, बस इसका आंसर हो गया न्यूटन पर कूलम। ये आपका आंसर निकल के आ गया इसका, जैसे जिस पॉइंट पे कहा जाएगा उसको निकाल लिया जाएगा, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन किए जाए, हाँ, फोर चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू आर प्लेस रेस्पेक्टिवली एट द फोर कॉर्नर ए बी सी एंड डी ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड स्मॉल ए, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, यानी क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कोई स्क्वायर है जिनकी साइड स्मॉल ए है और चारों साइड जो हैं ए बी सी डी उन पे जो चार्ज दिए गए हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, यानी ए पे प्लस क्यू है, बी पे प्लस क्यू है, सी पे माइनस क्यू है, डी पे माइनस क्यू है, ये चार्ज दिए गए हैं, इनको रखा गया है, तो इनके सेंटर पे यानी इन चार्जों जो स्क्वायर बनेगा इन स्क्वायर के कहीं बीच में जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है, इसकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इसका रिजल्टेंट हमें निकालना है, या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना सेंटर पे मिली वो हमें बताना है।
तो शुरू किया जाए। हमने स्क्वायर बनाया, उसके बाद इस स्क्वायर में ए बी सी एंड डी, ए पे प्लस क्यू था, बी पे भी प्लस क्यू है, सी पे माइनस क्यू है और डी पे भी माइनस क्यू है, माइनस क्यू है और ये भी माइनस क्यू है। ठीक, अब सेंटर बताना है तो यहां पे मैंने पहले इसको इसके डायगोनल दोनों को खींच दिए, तो डायगोनल में जहां आपस में मिलते हैं वही इसका सेंटर हो गया। इस पॉइंट पे ओ माना, यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। साइडें कितनी दी गई हैं, ए, यानी अगर कहा जाए तो डायगोनल इसका कितना हो जाएगा, डायगोनल इसका हो जाएगा ए अंडर रूट टू। पाइथागोरस से जानते हो ना, अगर ये ऐसे है, ये ऐसे ऐसे, ये ए है, ये ए है, तो ये ए रूट टू हो जाएगा पाइथागोरस से। और सेंटर पे आने के बाद यही ए अंडर रूट टू, यानी इसके बीच में अगर कहा जाएगा ए अंडर रूट टू बाई टू हो जाएगा, यानी ए बाय रूट टू भी कह सकते हैं। ठीक, तो इसका डिस्टेंस जो है वो भी ए बाय रूट टू है, इसका भी ए बाय रूट टू है, ये भी a बाय रूट टू होगा और ये भी a बाय रूट टू होगा, हम ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब चार्ज के हिसाब से देखा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कहाँ बन रही है। टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखा है, a पॉजिटिव चार्ज, o पे भी पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, यानी ea इधर होगा। ठीक, ये हो गया। उसके बाद b, बी आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, यानी ये भी हमारे इधर होगा, ई भी इधर होगा। इसके बाद नीचे ये पॉजिटिव चार्ज है और सी नेगेटिव चार्ज है, तो ये इस साइड होगा। तो ये ए पॉजिटिव चार्ज है, सी नेगेटिव चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज इसकी ओर जाएगा, यानी ई सी इधर होगा। ठीक, इसी तरह डी नेगेटिव है, यानी ई डी भी इधर होगा। ये दोनों ऐसे बन गए। उसके बाद अब यानी हमारे पास जो मिल रहा है, अब हम इसको इधर वाले को ई वन मान लेना, इसको ई टू मान लेना। इवन कहोगे ई ए प्लस ई सी होगा, ई टू कहोगे ई बी प्लस ई डी होगा। ठीक, ये दो चीज़ होंगी। अब इनको निकाला जाए, इनकी जो डिस्टेंस या जो चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, उसको निकाला जाए। अच्छा, दोनों सेम है, डिस्टेंस इसका भी सेम है, सबका सेम है, यानी हम कह सकते हैं चाहे ई ए हो या ई बी हो, क्योंकि सबके दूरी बराबर है, चार्ज भी सेम है, ई बी हो या ई सी हो या ई डी हो, ये सबकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्यू के क्यू अपॉन में ए बाय अंडर रूट टू आएगा होल स्क्वायर। चाहे ओ ए का स्क्वायर लिखो या ओ बी का स्क्वायर लिखो या ओ सी का लिखो या ओ डी का लिखो, सबका डिस्टेंस इक्वल है, तो ये क्या लिखा जाएगा, ए बाय रूट टू का स्क्वायर, यानी के ये टू ऊपर आ जाएगा, टू क्यू अपॉन में ए स्क्वायर। इन सब की साइड इतनी हो गई। इवन कितना है, इवन है ई ए प्लस ई सी, तो ई ए कितना निकला था हम लोग का, ई ए निकला है भाई के टू क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, ई सी भी क्या है के टू क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, दोनों जोड़ के कितना हो गया, फोर के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर। चलिए एक काम हो गया, अब ई टू को देखा जाए, ई टू क्या हो जाएगा, ई बी प्लस ई सी, ई बी कितना है बेटा,
ए बी और ए सी भी उतना ही है, सेम है, यानी ये भी वही है, के टू क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, के टू क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, यानी ये भी हमारा हो गया 4 के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, ये दोनों सेम आ गए, ईवन ए टू आ गया। अब जरा ध्यान दो, ये ऐसे जा रहा है ईवन ई टू, ईवन आपका इधर हुआ है जो कि ई ए प्लस ई सी है, ई टू इधर हुआ है जो ई बी प्लस ई डी है, ये तो है स्क्वायर में, ये साइड ऐसे गई है और इन साइडों में ऐसे मिलाया गया है, और ये 45 होगा, ये 45 होगा, ये दोनों 45 है तो ये 90 डिग्री होगा। अब इसके बीच में हमें नेट चार्ज निकालना है, यानी ई नेट निकालना है, तो ई नेट कितना हो जाएगा, अंडर रूट में ई वन का स्क्वायर प्लस ई टू का स्क्वायर प्लस टू ई वन ई टू कॉस 90। अच्छा ये क्या है, कॉस 90 जीरो हो गया, ई वन कितना निकला था 4k q अपॉन में a स्क्वायर का होल स्क्वायर, 4k q अपॉन में a स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ये बाहर आ जाएगा, बाहर आके क्या हो जाएगा, ये 4k q अपॉन में a स्क्वायर अंडर रूट में 2। तो लिख सकते हैं k 4 रूट 2 q अपॉन में ए स्क्वायर, और के की वैल्यू क्या है 1/4πε0 4 अंडर रूट 2 क्यू अपॉन में ए स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। ये इसका नेट चार्ज आ गया सेंटर पे, ठीक है, अब नोट कर लीजिए इसको। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखा जाए जल्दी से, हाँ तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन किया था वैसे ये तीसरा क्वेश्चन भी है, सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज कर दी गई है। थ्री चार्जेस एच इक्वल टू प्लस क्यू आर प्लस क्यू आर प्लेस एट द थ्री कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड स्मॉल ए, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द फोर्थ कॉर्नर, यानी हमसे ये कहा गया है कि आपके जो है तीन कॉर्नर के चार्जेस जो दिए गए हैं वो प्लस क्यू है, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल ए है, चौथे कॉर्नर पे हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी हमें चौथे कॉर्नर पे बताइए, यानी जो टेस्ट चार्ज रखा गया है वो चौथे कॉर्नर पे रखा गया है। तो अब यहाँ पे शुरू किया जाए, सबसे पहले आपने यहाँ पे स्क्वायर बनाया क्योंकि साइड सब इक्वल कहा गया है तो इक्वल ही बनाना, ठीक। उसके बाद इनके नाम लिख दिया जाए ए बी सी डी, ए पे जो चार्ज है, बी पे जो चार्ज है, सी पे जो चार्ज है, या हम बी पे निकाल लेते हैं, इन पे चार्ज देते हैं प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, सी और डी पे प्लस क्यू चार्ज दे दिया, और हम बी पे मान रहे हैं टेस्ट चार्ज हमने रखा है, यहाँ पे हमें निकालना है इसका डिस्टेंस ए है, सेम देखो वही है, बस वहाँ 50 कूलम था, यहाँ पे हमने जो है स्मॉल ए रख दिया है, तो डायगोनल से इसका जो डिस्टेंस निकलेगा वो ए अंडर रूट 2 निकलेगा। अब क्या है ये ए जो है जो कि प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, ये ए बी जो है ए से रैपल होगा यानी ये बाहर जाएगा, इसी तरह सी से सी जो है बी से रेपल होगा, यानी बी जो चार्ज होगा टेस्ट चार्ज होगा वो सी से दूर जा रहा होगा, तो यहाँ पे ई सी इधर हो गया। अच्छा इससे भी तो रेपल हो रहा है, तो यानी ई डी भी हमारा बाहर हो गया, और नेट चार्ज भी हमारा यानी इनके जो दोनों का ई ए और ई सी का जो है वो भी इसी साइड में है, यानी हम कह सकते हैं ई ए सी टोटल। भाई काम करोगे पहले इसमें ई ए निकाल लेना, ई ए के
क्यू अपॉन में ए स्क्वायर हो गया, इसी निकाल लेना के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर हो गया, और ई डी निकाल लेना तो के क्यू अपॉन में ए अंडर रूट टू का होल स्क्वायर हो गया। यानी यहाँ पे अगर सॉल्व किया जाए तो के क्यू टू ए स्क्वायर हो गया, ये ई डी हो गया। ई डी के बाद की बात है, यहाँ इनके बीच में 90 डिग्री है तो पहले ई ए सी निकाल लो। ई ए सी इनके बीच का जो नेट चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ई ए का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर प्लस टू ई ए, टू ई ए ई सी कॉस 90। यानी सॉल्व होकर निकलेगा ई ए ई सी दोनों सेम है तो इसको ई ए की वैल्यू लिख दिया के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बाकी तो ये ज़ीरो हो गया। यानी सॉल्व होके आ गया के अंडर रूट टू क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू ई ए सी की आ गई। जब ई ए सी की आ गई तो अब नेट चार्ज निकालना है। नेट चार्ज कैसे निकलेगा, ई नेट, ई नेट चार्ज जो निकालेंगे इसमें हमने लिख रखा है यहाँ पे कि ई डी और ई ए सी एक ही डायरेक्शन में है तो ई डी प्लस ई ए सी लिख दिया। ई डी कितना आया बेटा, ई डी हमारा आया था के क्यू अपॉन में टू ए स्क्वायर, और ई ए सी जो आया है वो क्यू के अंडर रूट टू क्यू अपॉन में ए स्क्वायर। बाहर जो कॉमन आ सकता है उसको कॉमन ले लेना। अब इसको हटाओ मिटा दे, यहां से के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर बाहर ले लें, वन बाय टू प्लस अंडर रूट टू, यानी इसका आंसर आ गया क्या आंसर आएगा बेटा, वन प्लस टू रूट टू अपॉन में टू के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। इस टाइप से ये क्वेश्चन आपके लगते हैं जो स्क्वायर वाले में दिए हैं। अगर कॉर्नर कह रहा है तो कॉर्नर पर किसी भी एक जगह पे निकाला जाएगा, और अगर आपका मान लिए किसी जगह पे सेंटर पे कह दे रहा है तो सेंटर पे कैसे निकलेगा वो पता चल जाएगा। अच्छा अभी तो ये चीज़ ये पता चल रही है कि अगर ये तीनों चार्ज आपके सेम है यानी पॉजिटिव 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 हैं तो उसको देखा जा रहा है। अगर पॉजिटिव अगर तीनों नेगेटिव भी होते तो वो भी इसको फील्ड ऐसे ही बनती, सेम आंसर आता। लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव होता, कहीं नेगेटिव कहीं पॉजिटिव, मान लिया कि तीन चार्ज दिए गए, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो उसमें जो हमारा बनता है तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा आगे बढ़ना पड़ता है, हमें कंपोनेंट बताने पड़ते हैं कि एक्स एक्सिस पे कैसे बन रहा है, वाई एक्सिस पे कैसे बन रहा है, तो उसको निकाला जाता है, वह भी आगे लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर, फोर चार्जेस माइनस टू क्यू प्लस टू क्यू माइनस क्यू एंड क्यू आर प्लेस रिस्पेक्टिवली एट द फोर कॉर्नर ए बी सी एंड डी ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर। हमसे ये पूछा कहा गया है कि ये कोई स्क्वायर है जिनकी प्रत्येक की साइड जो है हर तरफ की साइड जो है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर हैं, और उन पे जो चार्ज रखे गए हैं वो माइनस टू क्यू प्लस टू क्यू माइनस क्यू और क्यू, और माइनस टू क्यू ए पे है, बी पे प्लस टू क्यू है, सी पे जो है माइनस क्यू है, और डी पे क्यू है। तो हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी सेंटर पे, सेंटर पे। यानी पहले आप इसको बना लीजिए, स्क्वायर बनाया, स्क्वायर बनाने के बाद ए बी सी एंड डी लिखा। ए पे जो चार्ज है वो कितना है, माइनस का टू क्यू, बी पे जो है वो कितना है, प्लस का टू क्यू, सी पे है वो कितना है भाई, माइनस का क्यू, और डी पे जो है वो क्या है, वो प्लस का क्यू। अब
जब कॉर्नर की बात आएगी तो हमें इसमें पहले डायगोनल बनाएं और इनका डायगोनल में जो सेंटर होगा उस पर ओ मान लिए। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ये 45 45 होंगे, ये 90 डिग्री बन रहे होंगे। पहले देखा जाए क्या क्या हो रहा है, यानी टेस्ट चार्ज हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज यहाँ है। अच्छा, अब जरा ई ए को देखो, ई ए है निगेटिव, यानी ये पॉजिटिव चार्ज इसकी ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी ई ए का डायरेक्शन इधर हो गया, ई ए इधर हो गया। ई बी है पॉजिटिव, यानी इसका डायरेक्शन इधर होगा, ये पॉजिटिव तो ये रेपेल करेगा। ई सी है निगेटिव, ये भी इसको पॉजिटिव चार्ज इसकी ओर भी अट्रैक्ट करेगा। ई डी है पॉजिटिव, ये इधर की ओर अट्रैक्ट करेगा, रेपेल करेगा, यानी यहाँ पॉजिटिव चार्ज उसे रेपेल करेगा। ये दोनों रेपेल कर रहे हैं और ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसको टेस्ट चार्ज को खींच रहा है। अब ये चारों बन गए, यानी चारों अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। अब अगर हमें निकालना है किसी भी लाइन पे, डायगोनल लाइन पे, इस लाइन पे देखा जाए या इस लाइन पे देखा जाए तो कैसे निकलेगा। तो अब अगर इवन की बात करें, हम इवन ए से देख रहे हैं, इवन जो कहेंगे तो कहेंगे ई ए माइनस ई सी, डायरेक्शन उल्टा। इसी तरह ई टू की बात करें तो ई टू हमारा क्या हो जाएगा, ई टू भी ये दोनों उल्टे हैं तो कहेंगे यहाँ पे ई डी माइनस ई बी माइनस ई डी, ठीक। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब ये है कितने, इसके 2 सेंटीमीटर है ना, 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर हैं। तो अगर स्क्वायर के 2 सेंटीमीटर साइडें हैं तो ये तो जान ही गया होगा कि ये कितना हो जाएगा, ये 2√2 हो जाएगा, ये 2√2 हो जाएगा, तो क्या मिला 2√2, यानी सिर्फ √2 बचेगा। यहाँ से यहाँ तक ये √2 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक के √2 होगा, सब साइडें √2 हो जाएंगी सेंटीमीटर में। यानी ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ये सारी साइडें जो होंगी आपकी √2 सेंटीमीटर, यानी √2 × 10⁻²⁺ मीटर हो जाएंगी, मीटर में चेंज करना रहेगा। चार्ज आपका वो क्यू ए है 2q, क्यू बी है निगेटिव पॉजिटिव चार्ज के साथ है, लेकिन हम वो उसमें नहीं लिखेंगे, क्यू बी है प्लस का 2q, क्यू सी है माइनस का क्यू, और क्यू डी है आपका क्यू, ये सब दिए गए। तो अब चार पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए, ई ए कितना होगा, ई बी कितना होगा। तो ई ए पे है के क्यू ए अपॉन में ओ ए का होल स्क्वायर। अच्छा, क्यू ए निगेटिव अगर है तो रहने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम पॉजिटिव ही लिखेंगे। 2q हो गया। ओ ए कितना है, ओ ए हमारे पास आया था √2 × 10⁻²² का स्क्वायर, ठीक। सॉल्व करेंगे इसको तो के 2q अपॉन में 2 × 10⁴, यानी आ गया के 10⁴q। ये पहली वैल्यू आ गई। इसी टाइप से हमें ई बी निकाल लेना, ई बी क्या है, ई बी का लिख देंगे के क्यू बी अपॉन में ओ बी का स्क्वायर। अच्छा, के ही रहेगा, ओ क्यू बी कितना है, क्यू बी 2q है, तो ये भी 2q हो गया, अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वही जो दिया गया है √2 × 10⁻²² का होल स्क्वायर, यानी ये भी सॉल्व हो गया, आ गया आपका सेम के 10⁴q। ये हमारा ई बी आ गया। इसी को देखा जाए, अब इसको तो फिगर समझिएगा, इसको उठाओ, इसी को देखा जाए, इसी में क्या हो जाएगा के क्यू सी अपॉन में आर स्क्वायर
ओसी का होल स्क्वायर, यानी के ये क्यू है और यहाँ पे अंडर रूट 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर था, तो ये आ गया आपका के क्यू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4, यानी के 10 की पावर माइनस 4 10 पावर 4 क्यू अपॉन में 2 आ गया। जो ईसी आ रहा है वही ईडी भी आ जाएगा आपका, क्योंकि ईडी भी सेम चार्ज में है, तो ईडी भी हमारा यही रहेगा, यानी ईसी और ईडी सेम है, जैसे कि ईए और ईबी था। ठीक, ये चारों आ गए। अब इसके बारे में बताया था कि यहाँ पे ईवन ईटू निकाल लो। ईवन ईटू निकालोगे तो ईवन क्या हो जाएगा, ईवन हो जाएगा ईए माइनस ईसी, यानी ईए जो आया था वो आपका आया था के 10 की पावर 4 क्यू माइनस में, और ईसी जो आया है के 10 की पावर 4 क्यू अपॉन में 2। तो के 10 की पावर 4 क्यू बाहर ले लें, 1 माइनस 1 बाय 2, यानी के 10 की पावर 4 क्यू अपॉन में 2 आ गया। ये आ गया आपका ईवन। जो जैसे ईवन आया है वैसे ई टू भी निकाल लिया जाए। ई टू क्या हो जाएगा, ई टू में भी यही करेंगे, ई बी माइनस ई डी, यानी के 10 की पावर 4 माइनस 10 की पावर 4 क्यू माइनस के 10 की पावर 4 क्यू बाई 2। ये भी हमारा वही आ गया के 10 के पावर 4 क्यू बाई 2, ये ई टू आ गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने कॉर्नर वाले में ये पढ़ा था, जब ऐसे बना था या सेंटर में कह रहे थे तो एक ई वन इधर जा रहा है, ई टू इधर जा रहा है, तो इनके बीच में वही फॉर्मूला लग जाएगा, ई नेट इजकल टू अंडर रूट में ई वन का स्क्वायर प्लस ई टू का स्क्वायर प्लस 2 ई वन ई टू कॉस 90। और ई वन ई टू दोनों सेम हैं, यानी के 10 की पावर 4 क्यू बाई 2 का होल स्क्वायर, के 10 की पावर 4 क्यू बाई 2 का होल स्क्वायर और प्लस 0, यानी के 10 की पावर 4 अंडर रूट 2 क्यू बाई 2 आ गया। तो बस के 10 की पावर 4 क्यू बाई अंडर रूट 2, ये हमारा इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ठीक, इस टाइप से इसका आंसर निकल आया। तो जो भी दिया जाएगा, क्योंकि यहां पे भी पुट करके निकाला जा सकता है। अब आपका ये जो है इस टाइप के जितने भी स्क्वायर वाले क्वेश्चन थे वो हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो डायपोल पे पढ़ेंगे कि डायपोल क्या होता है, डायपोल की कंडीशन देखी जाएगी, डायपोल को करेंगे, और उसके आगे फिर से जो रिलेटेड डेरिवेशन है, क्योंकि अब इसके बाद डेरिवेशन मैं शुरू होंगी, तो उन डेरिवेशन को हम लोग किया जाएगा। ओके, थैंक यू।